कैसोनिल, जी हाँ रेक्स की कैसोनिल, मैदे जिगर से रोग हटाए, आंतों को मजबूत बनाए, गैस अफारा दूर भगाए, रेक्स की कैसोनिल टेबलेट्स और सीरम। ये हमारा पैगाम है आपके लिए, ये हमारा पैगाम है आपके लिए। आप जुल्म कर सकते हैं, आप जिस कुर्सी पर फायद है वो इंसाफ की कुर्सी है, मगर मेरे भाई लोग मुझसे आकर कहते हैं कैसुद्दीन अवैसी हमको चारों तरफ से हम पर हमला किया जा रहा। उत्तर प्रदेश में, झारखंड में कभी गाय के नाम पर मारा जाता, हमको पीटा जाता है, तो कभी गुड़गांव में हमको नमाज पढ़ने नहीं दिया जाता। तो मैंने कहा सिर्फ आप और हम नहीं, बल्कि इस जुल्म का शिकार हमारे दलित भाई भी, हमने नहीं देखा। आज से तीन दिन पहले उस्मानाबाद में हमारा दलित भाई आकाश उसके घर में घुसकर उस पर चाकुओं से हमला किया गया, और ऐसा हमला किया हमारे मर्चेंट साहब बता रहे, फोटो दिखाए देख नहीं पाया मैं, उसके पेट की अधड़ियां बाहर निकल गई। ये जुल्म हो रहा है, ये जुल्म हो रहा है, मगर मेरे भाई अगर कोई आकर आपसे कहेगा कि तुम चारों तरफ से घिर चुके हो, शुमाल से, मशरक से, मगरब से, जुनूब से तुम पर हमले किए जा रहे हैं, यही बात खलीफते उस्मानिया के आखिरी खलीफा सुल्तान अब्दुल हमीद से भी जाकर अंग्रेजों ने कहा था कि सुल्तान अब्दुल हमीद तुम्हारी खिलाफत खत्म हो रही है, तुम्हारे अतराफ पूरे दुश्मन तुम्हारे हैं, तुम मस्जिद अक्सा और फलस्तीन को हमारे हवाले कर दो, तुम्हारी जान बख्श देंगे, तुमको इज्जत से जिंदगी गुजारने देंगे। तो सुल्तान अब्दुल हमीद ने शायद हिन्दुस्तान के मुसलमानों और दलितों के लिए तारीखी जवाब दिया। सुल्तान अब्दुल हमीद ने कहा अगर मेरे 32 दांत तुम तोड़ भी दोगे या टूट जाएंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दांतों के दरमियान में जबान है, दांत टूट जाएंगे मगर जबान बाकी रहेगी। तो मुसलमानों और दलित भाइयों, जब तक जबान तुम्हारे पास है इस जबान का इस्तेमाल करो, नाइंसाफी के खिलाफ एहतजाज बुलंद करो, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। जिसने आकाश को मारा उनको पुकार पुकार के गौद्दीन अवैसी अपनी जबान से कह रहा है कि तुमने एक मासूम पर जुल्म किया है, और अल्लाह इंसाफ करेगा। अल्लाह जब इंसाफ करता है तो अल्लाह ये नहीं देखता कि कौन मुसलमान है कौन दलित है, अल्लाह सिर्फ मुसलमानों का अल्लाह नहीं है, वो पूरी कायनात का, पूरी मखलूक का रब्बुल आलमीन है। अल्लाह जालिमों के जुल्म का बर्दाश्त नहीं करेगा। और आकाश के घर वालों को पैगाम देना चाहता हूं कि हम आपके साथ हैं, हम आपके गम में शामिल हैं। और मेरे भाई क्या क्या जुल्म किया जा रहा है, क्या क्या जुल्म हो रहा है। रमजान का महीना खत्म नहीं हुआ तो हमने देखा उत्तर प्रदेश में हापुड़ में हमारा एक भाई जिसका नाम हासिम है, हासिम जो बकरे कारोबार करता है, बकरों का अपनी खेत में बैठकर, 65 साल के मुसलमान समीउद्दीन उनका नाम है, उनसे गुफ्तगु कर रहा है तो अचानक मजमा जमा हो जाता, माप जमा होकर हासिम को ये कहकर मारता है कि तू गाय काटने के लिए आया, वहां पर कोई गाय नहीं थी। ईद के दो दिन के बाद हासिम कहता है कि नहीं मैं गाय काटने नहीं, ये खेत है। समीउद्दीन कहता है कि मेरी खेत में गाय आई थी, उसको हटाने आए थे, हम लोग बैठकर यहां पर बीड़ी मार रहे थे, कोई नहीं सुनता। और हासिम को इतना मारते इतना मारते हैं, मार मार कर हासिम के पैरों से उसका जिस्म निकल जाता है, गोश्त का टुकड़ा निकलता है, जख्मी हालत में हासिम पड़ा हुआ है।
زخمی حالت میں قاسم پڑا ہوا ہے اور پکار کر کہتا ہے کہ بھائی ذرا پانی پلا دو, کہ بھائی ذرا پانی پلا دو, کہ بھائی مجھے پانی پلا دو, تم نے مارا مجھے, میرے جسم کی ہڈی بوٹی کا تم نے ایک کر دیا, میرے جسم کا کوئی حصہ باقی نہیں ہے کہ تم نے گائے کے نام پر مجھے مارا, دیکھو میرے پیر کا گوشت نکل گیا, مجھے پانی دو پانی دو پانی پلاؤ. تو مارنے والوں نے قاسم کو پانی نہیں پلایا. جب قاسم کے جسم میں آخری سانسیں تھی تو ہم نے رات میں دیکھا, دنیا نے دیکھا, مسٹر مودی نے بھی دیکھا ہوگا کہ قاسم کے دونوں ہاتھ پکڑ کر اور دونوں پیر پکڑ کر کھینچ کے لے کر جا رہے ہیں. سامنے حضرت پولیس ہے, فوٹو لے رہے ہیں. میرے بھائی جب میں نظارہ دیکھا تو اپنے آپ کو روک نہیں سکا, میرے آنکھوں سے آنسو نکل گئے کہ ایک مسلمان کو مار رہے ہیں اور جب وہ پانی کی بھیک مانگتا ہے تو یہ ظالم پانی بھی نہیں دیتے. اور پھر تو زندگی کی آخری سانسیں تو اس کو اس طرح سے گھسیٹ کے لے کر جا رہے ہیں. جب میں نے اخبار میں دوسرے دن دیکھا کہ مدھیہ پردیش کے جنگل میں ایک شیر کو اوڈیشہ کے جنگل میں ٹرانسفر کیا جا رہا تو اس کو بے ہوش کیا جاتا, اس شیر کو بڑی نزاکت اور نفاست کے ساتھ ایک اسٹریچر پر رکھا جاتا ہے, اس پر کپڑے اڑائے جاتے اور اس بے ہوش شیر کو اٹھا کر گاڑی میں رکھ کر لے کر جاتے ہیں. ہندوستان کے میں ہمارے ہندو بھائیوں سے کہنا چاہ رہا ہوں, ٹھیک ہے میں گناہگار ہوں, میں غلط ہوں, میں فرقہ پرست ہوں, آپ کا ہر الزام قبول ہے. ہندوستان کا سب سے بدنام اور گندا آدمی کا نام اویسی ہے. میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے اپیل کر رہا ہوں, ایک شیر کو ایک جنگل سے بے ہوش کر کے دوسرے جنگل کو لے کر جایا جاتا ہے تو اسٹریچر پر لے کر جاتے ہیں, اور ایک مسلمان جس نے گائے کو نہیں مارا نہیں کاٹا اس کو اس طرح سے لے کر جا رہے ہیں, تو کھینچ کے لے کر جا رہا ہے. کہ یہ انسانیت ہے؟ کہ یہ اس طرح سے آپ ہم سے سلوک کریں گے؟ کیا ہو گیا آپ لوگوں کو کہ ایک شیر کو کپڑا اڑا کر اور ایک مسلمان انسان کو, چھوڑیے مسلمان ایک انسان کو, کوئی دو ہاتھ اور دو پیر پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے لے کے جا رہے ہیں؟ کہاں گئے انسانیت؟ کہاں گیا وہ جنگا جنگی تنظیم؟ کہاں گیا ہندو مسلمانوں کی محبت؟ کہاں گئے سب بتاؤ مجھے. میں جاننا چاہ رہا ہوں کوئی قاسم کی بات کرے گا یا نہیں کرے گا. ہمارے بھائی کو مار کر ایک جنگلی جنور کی طرح اس کو اٹھا کر لے کر جا رہے ہیں اور ایک شیر کو بے ہوش کر کے کپڑا اڑا کر. یہ ہماری زندگی کی ہے؟ یہ ہماری عزت ہے؟ یہ ہماری ڈگنیٹی ہے؟ اب بولو چاہے بھڑکاؤ بھڑکن ہے, میں سچائی کا بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے میرے بھائی. میں قاسم کی مری ہوئی جسم سے تم کو آواز دے رہا ہوں کہ میں نے پانی کی بھیک مانگی, تو یزید کی طرح, اس کے ہمایوں کی طرح, امام حسین نواز رسول اہل بیت پر پانی بند کرنے والا یزید, پانی کو ترسانے والے, آج اسی طرح قاسم کو تم نے ترسا ترسا کر مار دیا. اب بھائی آپ مجھے کیوں غصہ آتا ہے؟ میری زبان اتنی کالی کیوں ہے؟ تمہارے ظلم کی وجہ سے, تمہارے دھوکے کی وجہ سے, تمہاری منافقت کی وجہ سے. جو لوگ آ جا کر گنگا جمنی گنگا جمنی گنگا جمنی کی بات کرتے, دیکھو قاسم کو جب مارا گیا کیا وہ گنگا جمنی معاملہ تہذیب تھی؟ میں بھی چاہتا ہوں کہ ہندوستان میں گنگا جمنی تہذیب ہو, زندہ رہے, مگر یاد رکھو میری اس بات کو, یہ تہذیب نہیں رہی, یہ صرف کتابوں میں باقی ہے آج. اور جو ہمارے بزرگ جو دلی میں بیٹھ کر اس طرح کی بات کرتے ہیں, میں ان سے بھی کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ مجھ سے اختلاف کریے ضرور, مگر یہ موت قاسم کی
आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। मेरे भाई, उत्तर प्रदेश में कासिम को मार दिए और फिर क्या किए, वो समीउद्दीन जो 65 साल का बूढ़ा था उसके सर पे 3-3 गोवड़े, हाथ कर गया ये हथेली कट गई, ये हाथ कर गया 65 साल का बूढ़ा में तुम्हारा बाप भी हो सकता है। तुम आज भीड़ में बैठकर अपनी आंखों में आंसू लाने के लिए मैं तुमसे नहीं कह रहा हूं, मैं तुम्हारे जमीन को भिगोड़ रहा हूं। क्यों सो बेदार हो, ये सेक्युलरिज्म की बातें करने वाले सबसे बड़े डाकू हैं, सबसे बड़े मुनाफिक हैं, जिन्होंने 70 साल से मुसलमानों का इस्तेमाल किया, हमको डरा डरा कर रखे। आज मंगल तुम्हारे दरमियान में आकर कह रही है कि सेक्युलरिज्म को जिंदा रखना है तो अपने आप के लिए लड़ो, एक सियासी ताकत बनाओ, अपने उम्मीदवारों को कामयाब करो। डरने और घबराने की बात नहीं है, बल्कि अगर मुसलमान सियासी तौर पर मजबूत होगा, हिंदुस्तान की जमहूरियत मजबूत होगी, हिंदुस्तान का सेक्युलरिज्म मजबूत होगा, रूल ऑफ लॉ मजबूत होगा। उस 65 साल का होगा पुकार कर कह रहा है, नहीं मालूम, हम नहीं कहा कि मार, तेरी मां की, तेरी बहन की, इस तरह की गाली। और कितने लोगों को गिरफ्तार किए, कितने लोगों को गिरफ्तार किए, सिर्फ 2। किसकी रिपोर्ट पर? समीउद्दीन के भाई की रिपोर्ट पर, मरने वाला हाशिम। और हाशिम जो कपड़े पहना हुआ था, आप देखिए कितनी जालिम उस वहां की पुलिस ने आपूर्ण की, इन जालिमों को बचाने के लिए क्या किया, जो कपड़ा हाशिम पहना हुआ था निकाल कर उसकी खबर में सिफात बना दी। कल जब कोर्ट चलेगा, केस चलेगा, तो ये जो शयातीन को पकड़ा गया उनका वकील बोलेगा कि ठीक है, जो कपड़ा हाशिम पहनाता कहां है, पेश करो। वो बोलेंगे नहीं है कपड़े, गैंग बड़ी हो गई। मेरे भाई, इस तरह हरकतें की जा रही, इसी तरह मैं आपसे कह रहा हूं कि हाशिम की मौत हो या हमारे तौहीद अंसारी की मौत हो या फिर झारखंड में हमारे दो भाइयों की मौत हो, कि मार मार कर झारखंड में हमारे भाई को निधार हो गए मारने वाले, तो साइकिल मोटरसाइकिल पर बिठाकर रस्सी से बांधकर। हिंदुस्तान के वजीर आजम, ये आपके दौर में हो रहा है, जहां जहां आपकी सरकार है वहां पर हो रहा है, जहां जहां आपकी सरकार है वहां पर दलितों पर, मुसलमानों पर जोर हो रहा है। बताओ हिंदुस्तान के वजीर आजम का ये सबका साथ सबका विकास है? मेरे अजीज दोस्तों बुजुर्गों, जब मैं कासिम की जो नजारे देखा तो अल्लाह से दुआ करा, या अल्लाह तुझे वो कासिम का वास्ता बचा ले हमारी सरकार की उम्मत को, अल्लाह तुझे वो कासिम का वास्ता। मेरे भाई, मैं ये वाकयात इसलिए कह रहा हूं कि अपने हौसलों को बुलंद रखो, हिम्मत को बुलंद रखो, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। अल्लाह कुरान में फरमा रहा है, सूरह बकरा में फरमा रहा है कि तुम ही गालिब होगे। अल्लाह फरमा रहा है कि न डरो न सुस्ती करो, तुम ही गालिब होगे अगर तुम ईमान वाले हो। कि जालिम जुल्म करने वालों को हम बता देंगे कि तुम हमको कासिम बना दो, तुम हमको जुनैद बना दो, तुम हमको पीरो खान बना दो, तुम हमको निमुद्दीन अंसारी बना दो, तुम हमारी बहनों के इज्जत जहां बना दो, मगर याद रखो कि ये इस्लाम को नहीं छोड़ने वाले। हिंदुस्तान मेरा है, ये सरजमीन मेरी है, मैं यहां पर पैदा हुआ और इसी सरजमीन में जाऊंगा, मैं जिंदा रहूंगा तो तुम्हारे जुल्म के खिलाफ आवाज उठाऊंगा, मैं जिंदा जब तक रहूंगा अल्लाह के करम से तुमसे पंजा आजमाई करते रहूंगा, मैं जब तक जिंदा रहूंगा मुजाहिद की तरह रहूंगा, और अल्लाह ने मौत की तो अल्लाह मुझे शहादत की मौत दे। तुमके याद रखो फिर के गयूर का जवानों, याद रखो, खालियां मारने के लिए नहीं कह रहा हूं, बहादुरी का नाम यह है कि तुम जालिमों से मत डरो, हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन पर भरोसा रखो, अपने हाथ के लिए लड़ो। गयूर नौजवानों, सुनो मेरे पैगाम को, फिरौन को भी जालिम था, नमरून को भी जालिम था, मगर अल्लाह ने फिरौन को उसी पानी में डुबो दिया
इख्तदार की कुर्सियों पर बैठने वाला ये फिरौन और नमरूद का जानशीन है, ये यजीद का चेला है। इंशाअल्लाह ताला इसका खात्मा होगा देखना तुम, इसका खात्मा होगा तुम देखना। और अल्लाह कुरान में फरमा रहा है कि जालिमों का साथ मत दो, जालिमों का साथ मत दो। और फिर कांग्रेस पार्टी जो हमसे कहती है कि वो काटते हैं लड़ते हैं, कर्नाटका में क्या हुआ प्यारे, क्या हुआ प्यारे, मंदिर मंदिर गए छोटे, क्या हुआ हम इलेक्शन नहीं लड़े तो भी तुम हारे, तुम भी हारे और तुम्हारे बड़े भाई मोदी भी हारे। और कौन सीएम बना जिसकी हम तारीफ करें उन्हें सीएम बन गया अल्हम्दुलिल्लाह। सैंतीस एमएलए का सीएम और मोदी जी 104 लाख भी पत्थर पे सो गए, 104 लाख के पत्थर पे सो गए और 37 लाख आने वाला बादशाह बन गया। कांग्रेस के पापियों प्रणब मुखर्जी आरएसएस के हेडक्वार्टर पे गए, ओवैसी और काटता वो भूत बनने वाले सुन तू भी, अब तक नहीं समझा इन्हें, थोड़ा भूत उतार दिया था हमें, ऐसा कुर्सी पड़ के हमारे उलमापुर के फूल को तो नौ आ गए। तो उन्हें बोला तुम नौ आए, मैं भी अपना वजीफा पढ़ता हूं तो साथ कुछ छून छीन लिया। अब मैं उन सात से कह रहा हूं वो गुट को बर्खास्त करो, बिला शरत के मजलिस में आओ, कोई कंडीशन नहीं, निजाम सदर था है और रहेगा। तुम गुट को छोड़ो मैं तुमको सीने से लगाने तैयार, तुम्हारे को मुकाम होना मैं कौन मुकाम देने वाला, अल्लाह इज्जत देने वाला। अच्छा टाइम कम है बात कर रहा है, नारा मारेंगे ठहरो, नारा ऐसा मारेंगे कि भूत बंगले से मोदी साहब के घर तक पहुंचना। बहरहाल प्रणब मुखर्जी आरएसएस के दफ्तर को जाके बोले हेड देवर बहुत अच्छा इंसान, हेड देवर ने कहा था मुसलमान साफ है। और प्रणब मुखर्जी की तकरीर पर कांग्रेस वाले बोले क्या इल्मी तकरीर किए, अंग्रेजी का लफ्ज सेगेशियस इस्तेमाल किए और फिर राहुल गांधी इफ्तार की दावत किए, मुसलमान रोजा रहता है, मुसलमान को बुला के बोले रोजा खोलो और अपने बाजू किसको बिठाए जिसने आरएसएस के दफ्तर पर गया था, उसको बाजू बिठाकर अपना बगल बच्चा बनाकर सेकुलरिज्म का दर्द देते हैं। मेरे भाई इसके खिलाफ मैं हूं, ये कांग्रेस की बड़ा फिकत है कि आरएसएस के दफ्तर पर कोई जाएगा तो तुम्हारी इफ्तार की दावत नहीं आएगा। अगर ओवैसी महाराष्ट्र में इलेक्शन लड़ता है, इम्तियाज जलील औरंगाबाद के गरीब मजलूम लोगों की मदद के लिए जाता है, राहत के देने में घर चल रहा है इम्तियाज जलील वहां पर, दुकान चल रही अफवाह आदि वहां पर, मेरे कारपोरेटर वहां पर, हमको प्रकापरा हम प्रकापरा तुम से कुरल। अरे कांग्रेसियों तुम्हारी मुनाफत का चेहरा दुनिया के सामने प्रणब मुखर्जी का आरएसएस के दफ्तर को जाने से आया हो गया और फिर तुम्हारे सदर के बाजू इफ्तार की दावत में बैठकर खजूर खाने से भी वाजे हो गया। तो मेरे भाई ये इनके असली चेहरे हैं। अच्छा एक बात अगर नहीं कहा तो मैं तकलीफ हूं, रात में नींद नहीं आएंगी। हमारे वजीर आजम वीडियो बनाए शेयर बनाओ, अच्छा यहां आप हाथ उठाकर बताओ कितने लोग सिर्फ दो टाइम का खाना खाते, समान सिर्फ दो टाइम का खाना खाते, अच्छा कितने लोग एक टाइम का खाना खाते, समान
मेरे भाई, हिंदुस्तान में गरीब मुसलमान दलित और किसान एक टाइम का खाना खा के सोता, वजीर आजम पत्थर पर सोता, मिस्टर मोदी आप वजीर आजम बनकर खाना खाकर पत्थर पर एक्सरसाइज कर रहे और हिंदुस्तान का गरीब भूखा रहकर पत्थर पर सो रहा, किसान अपनी फसल को नहीं उगा सका, खुदकुशी कर रहा, ये हमारी जमहूरियत हो चुकी है मेरे भाई। और भीमा कोरेगांव में जो लोगों को पकड़ा गया, कल अगर कोर्ट में कहा जाएगा कि वो खत डुप्लीकेट था तो क्या होगा, कोर्ट के रिकॉर्ड में वो खत नहीं पेश किया गया। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस का कानून ये है कि पहले उस प्रोफेसर को भिजाना, एग्जामिन करना, रिपोर्ट को कोर्ट में शामिल करना या पहले से लीक कर दी। मेरे भाई बहाल, आपकी जमात मजलिस से वाबस्ता रहिए, मजबूत रहिए, इख्तलाफात को खत्म करो। जमात अजहरुद्दीन ओवैसी और निजाम से बड़ी है, जमात शख्सियतों से बड़ी है। मैं आपसे अपील कर रहा हूं, इसको और मजबूत करिए, इसको और मुस्तहकम कीजिए। यह आपकी आवाज है, आपका शुक्रिया कि आपने जमात का साथ दिया, और दिया, और हम जारी और सारी रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, लाख रोजगार, अलहमदुलिल्लाह।